हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीटीओ इसके बारे में डिस्कस किया था। सो जो ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है हमारा ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो ट्रैक्शन क्या होता है उसको पहले अच्छे से समझते हैं कि जैसे यहाँ पर डेफिनेशन जो लिखा हुआ है, ट्रैक्शन इज द टर्म अप्लाइड टू ड्राइविंग फोर्स डेवलप बाई इंटर रिएक्शन बिटवीन ट्रैक्शन डिवाइस व्हील ट्रैक एंड सॉइल, ठीक है ना। तो जो ट्रैक्शन क्या होता है, इंटर रिएक्शन बिटवीन, अगर जैसे इसके टर्म में देखो आप, ट्रैक्टर के टर्म में, तो जो ट्रैक्टर का व्हील होता है, तो जो आपका ट्रैक्टर का व्हील है और जो सॉइल सरफेस है, इसके बीच में जो इंटर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। मान लो कि ये आपका क्या है, ये सॉइल सरफेस हो गया, ये सॉइल सरफेस है और ये क्या है आपका, ये व्हील है, ठीक है ना। अब ट्रैक्टर का व्हील तो आप देखे हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, उसका जो व्हील आप देखे हो, ठीक है ना। तो अगर इसको इसका क्रॉस सेक्शन व्यू देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से ऐसा कुछ बनेगा ये क्रॉस सेक्शन व्यू इसका, ठीक है ना। कि मतलब आपका टायर जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है वो हल्का सा ऐसे दबा रहता है, जैसे जब व्हील ऐसे आप साइड से देखोगे सरफेस में, जो मतलब रोड पे जो भी व्हीकल चल रहा है, फिर जब ट्रैक्टर फील्ड में ऑपरेट होता है, तो जो ये तो इस टाइप से ऐसे रहेगा, बट यहाँ पर जो नीचे इस टाइप से ऐसा हल्का सा ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो जो सरफेस सॉइल के कांटेक्ट में आ रहा है, मान लो कि ये वाला इसका क्या हो गया, एरिया हो गया उसका जो कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है ना। तो सॉइल सरफेस ये आपका क्या हो गया, सॉइल सरफेस और ट्रैक्टर व्हील, ठीक है ना, व्हील या फिर ट्रैक। अब जनरली क्या होता है, या तो व्हील लगा होगा, ट्रैक लगा होगा। ट्रैक इट मीन्स जैसे कि आपने वो जो आर्मी वाले लोग टैंक वगैरह यूज करते हैं, उसमें देखा होगा जो ट्रैक टाइप जो लगा होता है, चैन जिसमें लगे होते हैं, उसको ट्रैक बोलते हैं। तो जनरली जो कहीं कहीं पर जैसे कि जो मडी सॉइल है वहां पर, या फिर जिधर का सॉइल लूज सॉइल जहां पर पाया जाता है, उधर ट्रैक टाइप का ट्रैक्टर यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर दोनों चीज मेंशन है कि जो ट्रैक्शन डिवाइस है, व्हील हो या फिर ट्रैक हो, तो दोनों के बीच जो इंटर रिएक्शन हो रहा है आपके सॉइल और व्हील के बीच में, ठीक है ना। व्हील हो चाहे वो ट्रैक हो, मतलब ट्रैक्शन डिवाइस के बीच में जो इंटर रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये वाले पोर्शन में जो भी, मतलब अगर इसको टॉप से देखे तो हमको ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसको जो डेफिनेशन लिखा है वो सिंपल सा डेफिनेशन है, ट्रैक्शन इज द टर्म अप्लाइड टू ड्राइविंग फोर्स डेवलप्ड बाई इंटर रिएक्शन बिटवीन ट्रैक्शन डिवाइस एंड सॉइल, ठीक है ना। तो ये आपका व्हील हुआ और ये क्या हुआ आपका, सॉइल सरफेस हुआ। तो इसके बीच में जो इंटर रिएक्शन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं। तो एक इसका फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस डब्ल्यू टेन फाइव, ठीक है ना। वेयर एफ स्टैंड फॉर क्या, जो एफ है वो ट्रैक्शन फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। मान लो कि आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा उस व्हील मतलब व्हीकल पे, वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रैक्शन फोर्स। और ए इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट इट मीन्स आपका जितना भी व्हील है, ठीक है ना, जिस व्हील में आपका पावर जा रहा है, जैसे कि जनरली ट्रैक्टर में अगर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, तो रियर के जो दो व्हील होते हैं उसमें पावर जाता है, ठीक है ना। तो उसका जो व्हील का कितना एरिया या फिर कितना सरफेस एरिया आपका सॉइल के साथ कॉन्टेक्ट में है, ये हो गया आपकी चीज ए, जो ए लिखा है ना, एरिया ऑफ प्लेट, वो हो गया, ठीक है ना। डब्ल्यू क्या लिखा है आपका, वर्टिकल लोड। वर्टिकल लोड इट मीन्स जैसे कि जो भी व्हीकल है, व्हीकल का जो सेल्फ वेट होगा, ठीक है, जो व्हीकल का सेल्फ वेट होगा वो क्या कहलाता है आपका, वर्टिकल लोड। क्योंकि अगर कोई भी, अगर ट्रैक्टर की बात करें, वो फील्ड में चल रहा है, तो वर्टिकल लोड तो वही लगेगा जो उसका सेल्फ वेट होगा, ठीक है ना। और फाई इज इक्वल टू क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, और सी इज इक्वल टू कोहेजन, ठीक है। इंटरनल एंगल फ्रिक्शन ये आपका जो, अगर सॉइल है, अगर आपका ग्रेनुलर फॉर्म में है तो वहां पर इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है, और अगर अगर स्टिकी सॉइल है तो वहां पर क्या होता है, कोहेजन होता है, ठीक है ना। इसको एक और डायग्राम के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि मान लो कि ये आपका फील्ड है, ये हो गया आपका छोटा सा सी ट्रैक्टर बना देते हैं, ठीक है। मान लो कि ये हो गया आपका क्या चीज, एक ये हो गया ट्रैक्टर आपका, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या है, इस साइड पे है, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे कि ये इसका जो सेल्फ वेट है, जो ट्रैक्टर का सेल्फ वेट होगा, ये वर्टिकली एक्ट करेगा ऐसे, ठीक है ना। इसको क्या अपन,
ये W, जो W से डिनोट किया ना वर्टिकल लोड, तो इसका जो सेल्फ वेट है इस स्ट्रक्चर का ये वर्टिकली एक्ट करेगा, और एरिया ऑफ प्लेट जो बोल रहे हैं तो ये वाला जो आपका व्हील है रियर व्हील, मतलब अगर टू व्हील ड्राइव है तो सिर्फ रियर व्हील में क्या होगा आपका पावर सप्लाई होगा या फिर टॉर्क सप्लाई होगा, तो आपका जो रियर व्हील तो जितना सरफेस एरिया आपके सॉइल के साथ जो कॉन्टेक्ट में आएगा ठीक है ना, उसको ही क्या बोला गया है यहाँ पर एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है। एक इस साइड हो जाएगा, अगर इस साइड से देख रहे हैं तो एक दूसरे साइड भी रहेगा, तो वही टोटल एरिया को अपन क्या बोलेंगे एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है ना। इंटरनल एंगल फ्रिक्शन, तो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो है वो अगर ग्रेनुलर सॉइल है तो वहां पर ये टर्म यूज होता है, और सी इज इक्वल टू कोहेजन अगर स्टिकी सॉइल है तो, ठीक है। तो ट्रैक्शन का एक डेफिनेशन हुआ, इसका एक फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू ए सी प्लस डब्ल्यू टेन फाइव। अब देखते हैं कि दो कंडीशन होता है सॉइल में हमारे पास, ठीक है। या तो जैसे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेन सॉइल इज, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है वेन सॉइल इज नॉन कोहेसिव और ग्रेनुलर, ठीक है ना। अगर आपका सॉइल कोहेसिव नहीं है या ग्रेनुलर सॉइल है तो क्या होगा, अगर कोहेसिव नहीं है तो कोहेजन इज इक्वल सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोहेजन वहां पर जीरो होगा, ठीक है ना। तो अगर आप ये वाले फार्मूला में सी इज इक्वल टू अगर जीरो करते हो, ठीक है ना, अगर सी इज इक्वल टू जीरो करते हो तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू टेन फाइव। इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका जो नॉन कोहेसिव सॉइल है, और नॉन कोहेसिव सॉइल में अगर आपको ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है ना, ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट इट मीन्स जो इंटर रिएक्शन बिटवीन सॉइल एंड ट्रैक्शन डिवाइस या फिर व्हील, ठीक है, तो उसको अगर इंप्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। डब्ल्यू को इंक्रीज करना मतलब जैसे कि ये डब्ल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एफ को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है किसका और किसका, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू टेन फाइव। अगर आपका डब्ल्यू इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपका जो एफ है मतलब जो ट्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ, मतलब आपको जो वर्टिकल लोड है इसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। अब देखो जो ट्रैक्टर का जो वर्टिकल लोड है वो तो मतलब जो स्टार्टिंग वो फिक्स रहता है, बट इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपन, इसमें जो एक्स्ट्रा लोड वगैरह लगाते हैं, ठीक है, या तो सामने में कुछ जो कास्ट आयरन के लोड लगाते हैं, या फिर रियर साइड में कास्ट आयरन के कुछ लोड लगाते हैं, या फिर जो इसका व्हील होता है व्हील में जो रिम रहता है ना, तो रिम में भी अपन क्या करते हैं, जो कास्ट आयरन के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसको विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट क्या करते हैं वहां पर उसको टाइट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वर्टिकल लोड है वो इंप्रूव होता है, और वर्टिकल लोड इंप्रूव होगा तो क्या होगा, आपका अल्टीमेट ट्रैक्शन इंप्रूव होगा। किस टाइप के सॉइल में, अगर आपका सॉइल क्या है, ग्रेनुलर है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, व्हेन सॉइल इज कोहेसिव और स्टिकी सॉइल, ठीक है। अगर आपका सॉइल क्या है, कोहेसिव है और स्टिकी है, तो उस कंडीशन में क्या है, देखो अगर आपका सॉइल कोहेसिव है तो फाइ जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वापिस से अगर ये आप ये वाले फॉर्मूला को देखोगे कि अगर फाइ इज इक्वल टू जीरो, यहां पर आप फाइ इज इक्वल टू अगर जीरो रखोगे तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और सी, ठीक है। तो सी तो कोहेजन है, तो अगर आपको ट्रैक्टिव फोर्स या फिर ट्रैक्शन को इंप्रूव करना है तो आपको एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एरिया इंक्रीज करना इट मीन्स जैसे कि ये जो आपका व्हील है, व्हील और सॉइल के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया है, ठीक है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। तो जनरली आपने केज व्हील एक टर्म सुना होगा कि केज व्हील, जब हम आप या फिर आप फील्ड में ऐसे जब ट्रैक्टर को ऑपरेट करते होंगे तो उस टाइम ऐसे देखोगे चर्निंग ऑपरेशन के लिए, जब चर्निंग ऑपरेशन करते हैं फील्ड में तो वहां पर केज व्हील लगा होता है आपके व्हील के साथ, ठीक है ना। तो वो क्या काम करता है, अल्टीमेट आपका कॉन्टेक्ट एरिया को इंक्रीज करता है, किसके साथ, सॉइल के साथ, ठीक है ना। मतलब जो आपका फील्ड है उसमें जब ट्रैक्टर ऑपरेट होता है आपके फील्ड में तो आपके जो रिम में नट एंड बोल्ट से क्या करता है, अपन कैच व्हील को दोनों साइड से टाइट कर देते हैं, तो उसका जो कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया हो जाता है ना व्हील का आपके सॉइल के साथ, वो इंप्रूव हो जाता है। तो अल्टीमेट जो आपका कॉन्टेक्ट सर्फेस एरिया, अगर ए या जैसे कि मान लो जाए ए आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो यहां पर ए डायरेक्ट रिलेशन किसका निकल रहा है, एफ का। तो एफ क्या होगा आपका, ये एफ इंक्रीज होगा, इट मींस आपका जो ट्रैक्शन क्या होगा, इंप्रूव होगा। एफ क्या है, ट्रैक्शन फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो भी आपका ट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है उसको ही अपन क्या किए हैं, एफ से डिनोट किए हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला मेन टर्म है कि ट्रैक्शन क्या होता है और क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। अगर आपका दो कंडीशन हो गया, अगर सॉइल आपका स्टिकी सॉइल है या फिर कोहेसिव सॉइल है, तो अल्टीमेट
अलग कंडीशन बनता है, या फिर अगर आपका सॉइल है वो नॉन कोहिसिव है या फिर ग्रेनुलर सॉइल है तो वहां पर अलग कंडीशन बनता है। दोनों के लिए आप या तो वेट इंक्रीज करते हो कर सकते हो या फिर एरिया इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उससे आप एफ इज इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस डब्ल्यू टेन फाइव। तो अगर आपको ट्रैक्शन इंप्रूवमेंट करना है तो जैसे कि ये सी देखो, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि ये कोहेसन है, और ये क्या है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये भी फिक्स रहेगा जिस पर्टिकुलर एरिया में या फिर जिस फील्ड में हो वहां पर, ठीक है। तो वेरिएबल क्या क्या चीज है आपका, एरिया और डब्ल्यू। तो दो कंडीशन है, या तो आप एरिया इंप्रूव करो या तो फिर डब्ल्यू इंप्रूव करो। यहां पर अगर रिलेशन निकालोगे तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और डब्ल्यू। तो दो अलग अलग कंडीशन है, एक कंडीशन में आप एरिया को इंप्रूव करके ट्रैक्शन इंक्रीज करोगे, एक कंडीशन में आप वेट को, जो वर्टिकल वेट लग रहा है फिर जो वर्टिकल लोड लग रहा है इसको इंप्रूव करके आप क्या करोगे, आपका जो ट्रैक्शन है उसको क्या करोगे, इंप्रूव करोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी में, सबसे पहला टर्म हो गया आपका ट्रैक्शन। इसको अगर आपको कुछ डाउट होगा कुछ है तो आप इसको वीडियो को दोबारा देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम अब नेक्स्ट टर्म की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, हमारा ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हमारा ट्रैक्टिव इफिशियंसी, ठीक है ना। ट्रैक्टिव इफिशियंसी क्या होता है, तो देखो इफिशियंसी टर्म जहां पर भी आया, इफिशियंसी का मतलब होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आपको आउटपुट क्या मिल रहा है और आप इनपुट क्या दे रहे हो, ठीक है ना। तो आउटपुट अपॉन इनपुट ट्रैक्टिव इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें एक टर्म सारा ट्रैक्शन, मतलब ट्रैक्टिव इट मीन्स ट्रैक्शन। तो अपने को ट्रैक्शन किसके किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है आपका, जो व्हील है ठीक है ना, जो ट्रैक्टर था उसका जो व्हील था और व्हील और सॉइल सरफेस के बीच में। अब देखो आउटपुट क्या है हमारा और इनपुट क्या है, ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या है, जो ट्रैक्टर के रियर में जो ड्रॉबार होता है, ठीक है ना। जैसे कि अब जब पीटीओ पीटीओ के बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया तो वहां पर बताया था कि जो पावर आउटलेट्स होते हैं ट्रैक्टर के, एक तो हो गया आपका थ्री पॉइंट लिंकेज हो गया, दूसरा पीटीओ होता है, एक क्या होता है आपका ड्रॉबार पावर, ठीक है ना। तो मेन क्या होता है आपका ड्रॉबार पावर ही है। तो जो क्योंकि ट्रैक्टर को डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि जो हैवी इंप्लीमेंट्स होते हैं उसको फील्ड में ऑपरेट करने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट टिलेज ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं उसको हीच करने के लिए ट्रैक्टर को, मेन पर्पस ट्रैक्टर डिजाइन करने का वही है कि हमको हैवी टॉर्क चाहिए, ठीक है ना। जो ड्राफ्ट पावर है, जो हमको हैवी ड्राफ्ट चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो कि जाए ये क्या है आपका, ये हो गया एक छोटा सा ट्रैक्टर बना देते हैं ऐसी वाला, ये ठीक है। तो ड्रॉबार पावर मतलब जो इसकी हीचिंग पावर है उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉबार पावर बोलते हैं। तो ट्रैक्टर में अपने को अल्टीमेट आउटपुट क्या चाहिए यहां पर आपका मिलता है, या क्या चाहिए आपका, ड्रॉबार पावर, ठीक है, हीचिंग पावर जिसको बोलते हैं। और हम पावर सप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं, जैसे कि जो इंजन में पावर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जब हमने ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था तो आपका जो पावर ट्रेन था, मतलब जो पावर का जो फ्लो हो रहा था, ठीक है, वो आपका इंजन, क्लच, गियर बॉक्स, डिफरेंशियल, फाइनल ड्राइव, और देन सबसे लास्ट में डिफरेंशियल के बाद कहाँ आ रहा था आपका, जो हाफ एक्सल शाफ्ट था उसके बाद लास्ट में क्या लगा हुआ था आपका, फाइनल ड्राइव लगा हुआ था, देन आपके व्हील पे जा रहा था। तो वो आपका क्या है, इनपुट है, ठीक है ना। तो अगर ट्रैक्टिव इफिशियंसी की बात करो तो इनपुट क्या है, जो एक्सल में आप पावर आ रहा है, ठीक है ना, एक्सल शाफ्ट में जो पावर आ रहा है वो आपका इनपुट हो गया, और जो आपको हीचिंग फोर्स मिल रहा है, मतलब जो ड्राफ्ट मिल रहा है वहां पर ड्रॉबार में, जो पावर मिल रहा है, जो आप हीचिंग फोर्स जो आपको जनरेट हो रहा है उस ट्रैक्टर के द्वारा, वो क्या हो गया आपका, आउटपुट हुआ, ठीक है ना। तो ट्रैक्टिव इफिशियंसी क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ड्रॉबार पावर जो आपको रियर में जो जो भी उसका हीचिंग या फिर पुलिंग फोर्स है वो डिवाइडेड बाई एक्सल पावर, कि आप जो जो व्हीकल है उसका, अगर आपका टू व्हील ड्राइव है तो रियर व्हील बस में पावर जाएगा, और अगर फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है तो वो फ्रंट व्हील में भी वहां पर पावर जाता है, ठीक है। तो ये ड्रॉबार पावर अपन क्या हो जाएगा, एक्सल पावर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रैक्टिव इफिशियंसी इज इक्वल टू, देखो यहां पर लिखा हुआ है एच इंटू वी ए डिवाइड बाई टी इंटू ओमेगा। तो ये जो टर्म्स है ये क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एच इज इक्वल टू क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल पुल। जैसे कि यहां पर आप जो भी इंप्लीमेंट लगा के उसको हीच करोगे ना, तो उसको हीच करने के लिए कितना, जैसे कि यहां पर यूनिट क्या दिया, न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स का, चाहे वो केजी में हो, चाहे आपका न्यूटन में हो, चाहे केजी में हो, कि उसको हीच करने के लिए कितना केजी फोर्स चाहिए, फिर कितना न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है ना। वी ए इज इक्वल टू लिखा है एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी मीन जैसे कि आप फील्ड में किसी भी इंप्लीमेंट को हीच कर रहे हो उस पर्टिकुलर टाइम में उस व्हीकल का या फिर ट्रैक्टर का एक्चुअल में कितने स्पीड से वो चल रहा है। जब जनरली अपन स्पीड बोलते हैं कि किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को ही आप ऐसे और उसको कन्वर्ट करोगे, तो मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो और आवर को सेकंड में चेंज कर दो, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, मीटर मीटर पर सेकंड, मतलब
डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, एक्चुअल में जो वेलोसिटी होती है वही होती है ना डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम में आपका व्हीकल उस इंप्लीमेंट को हीच करने में कितने स्पीड के साथ वो चल रहा है। टी इज इक्वल टू क्या है आपका, टॉर्क। टॉर्क ठीक है, तो जो आपका रियर व्हील है तो रियर व्हील में कितना टॉर्क आ रहा है। तो जैसे कि हमने वो ट्रांसमिशन सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे अपन आरपीएम रिड्यूस करते हैं अपना क्या होता है, टॉर्क इंक्रीज होते जाता है। तो ट्रैक्टर में मेन एम अपना ही होता है कि अपने को हैवी टॉर्क चाहिए, हैवी ड्राफ्ट चाहिए होता है, ठीक है ना। तो टी इज इक्वल टू हो गया आपका टॉर्क, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया रेडियन पर सेकंड, टी इज इक्वल टू हो गया टॉर्क, और वी इज इक्वल टू एक्चुअल वेलोसिटी, एच इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल पुल। तो यहां पर एक चीज और देखना, जो ड्रावर पावर जो होता है, जैसे कि यहां पर ड्रावर पावर लिखा है, तो ड्रावर पावर इज इक्वल टू पुलिंग फोर्स, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल पुल इंटू एक्चुअल वेलोसिटी। आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कि यहां पर ये देखो, आपको इसका यूनिट, आपको एक बार यूनिट बैलेंस करके दिखाता हूं आपको। यहां पर ये क्या हो गया आपका, न्यूटन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका न्यूटन इंटू वेलोसिटी इंटू ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये हो गया आपका एच, ठीक है। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, और जूल पर सेकंड क्या होता है, वॉट। तो यहां पर एच इंटू वी इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, वॉट हो गया, ठीक है। अब नीचे क्या है आपका, टॉर्क इंटू ओमेगा। तो यहां पर देखो, इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड, और टॉर्क यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आप इसको यहां पर अगर इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये न्यूटन और मीटर हो जाएगा, और ये क्या है आपका, रेडियन पर सेकंड। तो यहां पर वापस से क्या बनेगा, न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा, और जूल पर सेकंड क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वापस से ये क्या हो जाएगा, ये वॉट डब्ल्यू, ठीक है, ये क्या है आपका, वॉट। तो देखो जो इफिशियंसी होती है वो क्या होता है, उसका यूनिट नहीं होता, ठीक है, उसको अपन जनरली परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो ये वॉट और वॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका अल्टीमेट जो आएगा ये किस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, या फिर इसको किस में डिनोट करोगे आप, परसेंटेज में डिनोट करोगे। परसेंटेज में डिनोट करने क्या है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, परसेंटेज में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ट्रैक्टिव इफिशियंसी। ट्रैक्टिव इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट है आपका ड्रावर पावर डिवाइड बाई इनपुट है आपका एक्सेल पावर। तो ड्रावर पावर का कैसे कैलकुलेट करोगे आप, जो भी किसी भी इंप्लीमेंट को हीच करने के लिए जो वहां पर पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड है, वो जो एक्चुअल में फील्ड की जो फील्ड में जो आपका व्हीकल है या फिर जो ट्रैक्टर है उसकी वेलोसिटी है, वो दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ड्रावर पावर निकलेगा, और नीचे जो एक्सल पावर है, तो एक्सल पावर कैसे कैलकुलेट करोगे आप, उस एक्सल में जितना टॉर्क आ रहा है, ठीक है ना, जितना टॉर्क सप्लाई हो रहा है वो न्यूटन मीटर में डिवाइड इनटू एंगुलर वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर शाफ्ट का जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, एक्सल पावर मिलेगा। तो यहां पर से ट्रैक्टिव एफिशिएंसी इज इक्वल टू एच इंटू वी ए डिवाइडेड बाई टॉर्क इंटू ओमेगा। ये हो गया आपका ट्रैक्टिव एफिशिएंसी। नेक्स्ट टर्म है आपका टॉर्ड व्हील कंडीशन। तो जो टॉर्ड व्हील कंडीशन जो होता है, इसका जैसे कि इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, अनपावर्ड व्हील इज कॉल्ड टॉर्ड व्हील, एक्सल टॉर्क इज जीरो, ठीक है ना, एक्सल टॉर्क इज जीरो। इसका मतलब यह है कि उसके जो एक्सल में टॉर्क मतलब पावर सप्लाई नहीं होता है, ऐसा व्हील जिसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होता है वो क्या कहलाता है आपका, टॉर्ड व्हील कंडीशन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, आप ब्लॉक कार्ट देखो तो ब्लॉक कार्ट में देखना उसके पीछे में क्या होता है, वो जो एनिमल्स को अपन सामने हीच करने के लिए यूज करते हैं उसमें कोई पावर सप्लाई नहीं होता, उसमें उस जब आप हीच करोगे तो वो बस ऐसे रोटेट होते हुए उसमें मोशन होता है और वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्हील जिसमें उसके सेल्फ पावर या फिर वहां पर एक्सल में कोई पावर नहीं जा रहा है वो क्या कहलाता है आपका, टॉर्ड व्हील कंडीशन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लॉक कट, या फिर जो हमारे यहाँ जो ट्रैक्टर आप देखते हो, जैसे कि टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर हो गया, ठीक है ना। तो टू व्हील ड्राइव जो ट्रैक्टर होता है, जनरली उसके जो दो रियर व्हील होते हैं उसमें ही आपका क्या होता है, पावर सप्लाई होता है। तो दो रियर व्हील में आपका पावर सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब जो फ्रंट व्हील है वो क्या व्हील हो गया आपका, टॉर्ड व्हील कंडीशन हो गया, क्योंकि आपके फ्रंट व्हील में कोई पावर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। उसमें मोशन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो रियर व्हील है आपका, रियर व्हील उसको एक सामने की साइड एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो इस फोर्स के नाम से आपका जो फ्रंट का व्हील है वो क्या होता है, रोटेट होता है। तो जो फ्रंट व्हील है वो क्या हो जाएगा उस टाइम पे, टॉर्ड व्हील की कंडीशन पे रहता है, उसमें एक्सल टॉर्क क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो ये ट्रैक्शन टर्मिनोलॉजी से आज हमने क्या क्या देखा, एक ट्रैक्शन देखा, ट्रैक्टिव एफिशिएंसी देखा, और टॉर्क व्हील कंडीशन हो गया, ठीक है ना। जो इससे जो और कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और लास्ट में इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेंगे या फिर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।